आदाब नाजरीन, जे बी टी वी न्यूज में आपका खैर मकदम है। हम लोग ये मूवमेंट जो शुरू किए हैं, जिसका नाम है तेलंगाना भूमि पुत्रा, ये मूवमेंट का मेन एम ये है कि तेलंगाना के जो यूथ हैं, तेलंगाना के जो लड़के हैं, जो 10-15 साल से जो तेलंगाना के लोग तेलंगाना के लिए लड़े, तो उनको तेलंगाना तो मिल गया, लेकिन सिर्फ जो है सो तेलंगाना मिला और कुछ नहीं मिला। जो तेलंगाना के बेनिफिट्स थे उसमें उनका ज़ीरो शेयर है, उनका ना उनको जॉब्स मिले, ना उनको बिजनेस में कुछ तरक्की हुई, ना उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, एक भी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना की कंपनी को या तेलंगाना के लोगों को नहीं मिला। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को जा रहे हैं, और आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तकरीबन पूरे आंध्रा के ही लोग काम करते हैं। तो और जहाँ तक के प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, गवर्नमेंट में सिर्फ 3% जॉब्स हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में और एक 3% है। 94% जॉब्स जो स्टेट के हैं ये सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 99% बाहर के लोगों का डोमिनेशन है, नॉर्थ इंडियंस का, राजस्थानीज का, दिल्ली वालों का, सबका इनका डोमिनेशन हो गया है। और ये लोग ये कर रहे हैं कि आगे भी जितने लोग वो लोग हायर कर रहे हैं, जितने भी लोग ला रहे हैं, सब के सब नॉर्थ इंडिया से ला रहे हैं। तो तेलंगाना के लोगों को कोई भी मौका नहीं है कि जो है सो वो लोग कुछ जॉब करें या कुछ बिजनेस करें। तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब ऑलरेडी एक जीओ इशू किए हैं, रिजर्विंग 75% ऑफ जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर तेलंगाना पीपल, लेकिन वो और केटीआर साहब इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि वो लोग डर रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री का और इन्वेस्टमेंट का आना रुकेगा। ये बिल्कुल गलत डर है इनका। अब तेलंगाना को कोई नहीं रोक सकता, तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह आगे बढ़ेगा, और इंडिया में प्रीमियर स्टेट अगर डेवलपमेंट में है तो तेलंगाना है। अब तेलंगाना को कि कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, तो तेलंगाना ग्रो होएगा, लेकिन अगर लोकल लड़कों को, तेलंगाना के लोगों को अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो ये होएगा कि तेलंगाना के लोग दे विल मिस द बस, पीछे रह जाएंगे ये लोग, इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, फिर बाहर के लोग आके सारे फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट ले लेंगे। तो ये तेलंगाना मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं, आज इतने बड़े बड़े लीडर्स इसको ज्वाइन कर लिए हैं, गदर साहब ज्वाइन किए हैं, कदरी कृष्णा, सारे बड़े लीडर्स ज्वाइन किए हैं, जस्टिस चंद्र कुमार। तो अब ये तेलंगाना भूमि पुत्रा मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा और सारे तेलंगाना में फैलेगा और हर यूनिवर्सिटी में फैलेगा ये। और जब तक जो है सो तेलंगाना के लोगों को अपना हक नहीं मिलता, हम लोग इसके ऊपर काम करते रहेंगे। शुक्रिया। जो भी तेलंगाना की आवाम के साथ, बिलखसूस नौजवानों और स्टूडेंट के साथ में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई इंसाफी नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम तमाम दानिश्वरों तेलंगाना मिलकर एक तंजीम बना रहे हैं जिसका नाम है तेलंगाना भूमि पुत्र, यानी उसका अनुमान तेलंगाना भूमि पुत्र देने की अहम वजह यह है कि तेलंगाना के अंदर ट्रेड मार्केट जितनी है वो तमाम राजस्थानियों के हाथ में है, गोल्ड मार्केट पूरी राजस्थानियों के हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरी गुजरातियों के हाथ में है, रियल इस्टेट पूरा आंध्रा वालों के हाथ में है, कैपिटलिस्ट पूरे आंध्रा वाले हैं। यानी कि तेलंगाना बनकर 6.5 साल होने के बावजूद भी आज भी तेलंगाना की आवाम वैसी है जो पिछले आंध्रा हुक्मरानी में थी, लिहाजा इन चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम तेलंगाना के नौजवानों को हर शुबे में 50% तहफ़ देना और सोर्सेस जो तेलंगाना के जितने भी रिसोर्स हैं उसके अंदर उनको क्योंकि मुकम्मिल हक़ देना, इसके लिए हम तेलंगाना भूमि पुत्र का क़याम अमल में लाए हैं। आज हम यहाँ पर दूसरी राउंड टेबल करें हैं, ये पहली दानिश्वरों की थी, ये दूसरी स्टूडेंट्स और नौजवानों की थी, इसके बाद हम लोग पंपलेट बना के पूरे तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर स्टूडेंट्स को हम ये समझाएंगे और ये बताएंगे कि तुम्हारे हक क्या है और हक को कैसा हासिल करना, इसको हम क्योंकि एक मूवमेंट बनाएंगे, एक तहरीक बना के पूरे तेलंगाना में हम ये तहरीक चलाएंगे। जब तक तेलंगाना के तमाम आवाम को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक हम ये लड़ेंगे
क्योंकि आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि तेलंगाना रियासत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तेलंगाना के स्टूडेंट ने दी। 1100 हमारे बच्चे शहीद हुए, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई भी ये हुकूमत बनने के बाद में उनके लिए कोई फ़ायदा के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। और ख़ुसूस कर यहाँ पर जो इकनॉमिकली जो पोजीशन है तेलंगाना के नौजवानों की, तेलंगाना की आवाम की, इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। खासकर जैसे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, फाइनेंस कॉरपोरेशन से कोई भी इंडस्ट्रियल के लिए तेलंगाना की आवाम को कोई फाइनेंस नहीं दे रही। यहाँ तक के माइनॉरिटीज़ के लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन था, तेलंगाना बनने के बाद में माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी ज़ीरो बना के रख दिए गए, जिसकी वजह से तेलंगाना के नौजवान आज भी बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड है। सेक्टर को से मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए आप तमाम तेलंगाना के गवर्नमेंट प्राइवेट बिलखसूस ITs के यहाँ पर जो बन गए हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ITs बन रहा है तो तेलंगाना तरक्की करता। आप देखिए ITs के ऑनर जितने हैं वो पूरे फॉरेनर्स हैं और वहाँ पर स्टाफ जो है 90% ITs के अंदर स्टाफ वो पूरा नॉर्थ इंडिया का है। तो आप हमारी ज़मीन लेंगे, करंट हमारा लेंगे, लोन हमारा लेंगे, सब हमारा।